Hi everyone, welcome back to my channel that is Somya Jha Law in Veins. So, for more videos related to law, please do like, share, and subscribe to my channel. Hello everyone, welcome back to my channel that is Somya Jha Law in Veins. सो so, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ हैं लास्ट वीडियो uh, तक फर्स्ट थ्री वीडियोस में हमने एविडेंस के ऑलरेडी uh, काफ़ी सारे टॉपिक्स एविडेंस uh, के कवर कर लिए हैं अब हम चैप्टर टू के ओर प्रोसीड करेंगे चैप्टर टू बेसिकली बात करता है ऑफ़ द रेविवेंसी ऑफ फैक्ट्स ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स ठीक है जब मैंने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में तभी मैंने एक डाइग्राम फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताया था कि कैसे कैसे चैप्टर वाइज डिवाइडेड है ठीक है तो चैप्टर टू जो है वो बेसिकली बात करता है जो तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री पार्ट वन में चैप्टर वन एंड टू है तो वन हमने कम्प्लीट कर लिया है आज हम टू की तरफ प्रोसीड करेंगे okay. तो इसमें बेसिकली मैं फोकस करूँगी डॉक्ट्रीन ऑफ रेज जेस्टे पे लेकिन डॉक्टरिन ऑफ रेज जेस्टे हम सेक्शन सिक्स में पढ़ते हैं बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू स्किप सेक्शन फाइव तो हम सेक्शन फाइव को भी यू नो कंटिन्यू करेंगे तो पहले हम सेक्शन फाइव के साथ डील करेंगे फिर विल कंटिन्यू सेक्शन सिक्स ओके तो सेक्शन फाइव बात करता है एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स एविडेंस दो चीज़ों की दी जाएगी सबसे पहला पॉइंट ए इसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में जो हमारा सेक्शन है उसमें डायरेक्ट क्लियरली दिखा रहा है कि दो एलिमेंट्स हैं कि एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फर्स्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू किसी भी फैक्ट को फैक्ट इन इशू के एग्जिस्टेंस एज वेल एज नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दिया जा सकता है और सेकेंड uh, जो एलिमेंट है वो है ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट ठीक है और या फिर जो दूसरे फैक्ट जो डिक्लेयर्ड जो लगता है कि रेलिवेंट हो सकते हैं उनके हम यू नो दिया जाएगा उसका एविडेंस तो सेक्शन फाइव क्लियरली स्टेट करता है दो एलिमेंट्स आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि मैंने नोट्स में किया है ठीक है अब इसको एक एलस्ट्रेशन से समझते हैं हम ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ ए की ए जो है वो उसको उसके ऊपर सज़ा उसको दी जाती है कि उसने बी का मर्डर किया है उसको मार के विद द इंटेंशन इस इंटेंशन से कि बी की डेथ uh, uh, हो जाए ठीक है उसके मर्डर करने के लिए एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू ए के ट्रायल के टाइम पे ये सारे फैक्ट्स इशू में आप सबसे पहला ए इज़ बीटिंग बी विद द क्लब कि ए बी को मार रहा था क्लब से ठीक है क्लब इज चाबू। ए इज़ कॉजिंग बी इज़ डेड बाई सच बीटिंग ए के मारने की वजह से बी की डेथ हो जाती है उसके उस सच बीटिंग की वजह से एंड एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ कि ए का इंटेंशन था इसलिए वो बी को इस तरीके से मार रहा था सो so दैट उसकी डेथ हो जाए ठीक है मूविंग ऑन द कोर्ट इज़ टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस जब कोर्ट अब यहाँ पे क्या करेगी कोर्ट जो है वो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को डिसाइड करेगी द मोमेंट विटनेस कमेंस इज गिविंग एविडेंस विच इज़ इनएडमिसिबल ही शुड बी स्टॉप सो द मोमेंट विटनेस कमेंस गिविंग एविडेंस विच इज इनएडमिसिबल ही शुड बी स्टॉप बाई द कोर्ट ठीक है उसको अगर आ, ये लगता है कि, कि जिस मोमेंट पे विटनेस जो ऐसी कोई भी एविडेंस दे रहा है जो इन एडमिसिबल है वो कोर्ट के द्वारा रोक दिया जाएगा अब एक केस है नाइनटीन नॉट वन का राम वर्स एस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल ठीक है अ पार्टी फाइलिंग डॉक्यूमेंट कॉट अर्ज इन एडमिसिबल ओके सो अ पार्टी फाइलिंग डॉक्यूमेंट कैन नॉट अर्ज इन एडमिसिबिलिटी वेन द ऑपोज़िशन पार्टी सीक्स टू यूज जो पार्टी फाइल कर रही है डॉक्यूमेंट वो इन एडमिसिबिलिटी के लिए अर्ज नहीं कर सकती अगर सामने वाली पार्टी उस पर्टिकुलर एविडेंस को यू नो यूज़ करना चाहती है मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं सेक्शन सिक्स पे जिसके बारे में आज का वीडियो है बेसिकली ठीक है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन ये सेक्शन सिक्स बताता है इसके बारे में ठीक है द फैक्स विच थॉट नॉट इन यूज आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन मतलब ऐसे फैक्ट्स जो इशू में नहीं है ठीक है लेकिन वो इस तरीके से फैक्स इन इशू से कनेक्टेड है कि वो एक ट्रांजेक्शन एक पार्ट फॉर्म कर रहा है उसी के मतलब उस ट्रांजेक्शन का एक पार्ट फॉर्म कर रहा है ठीक है आर रेलिवेंट वेदर दे अकर्ड ऐट द सेम टाइम इन प्लेस और एट डिफरेंट टाइम इन प्लेस तो वो जो फैक्ट्स होंगे वो रेलिवेंट होंगे नो मैटर वॉट कि वो कहाँ पे वो पर्टिकुलर फैक्ट अगर हो रहा था क्या उसका टाइम और प्लेस था क्या टाइम और प्लेस सेम था या डिफरेंट था दैट डजेंट मैटर ठीक है वो रेलिवेंट माने जाएंगे इसका एक एलस्ट्रेशन भी लिखा है ना आप देख सकते हो ए इज़ अक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ बी ठीक है बाई चीटिंग हिम ए जो है अक्यूज uh, है बी uh, का मर्डर करने के लिए बाई चीटिंग हिम वट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और बाई द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट इट इज फॉर्म द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज रेलिवेंट फैक्ट अब जो भी ए या बी के द्वारा कहा गया और जो वहाँ के बाई स्टैंडर्ड्स ने कहा या नोटिस किया उनके आपस में यहाँ के टाइम पे या फिर कमिटमेंट ऑफ द क्राइम के टाइम पे पहले कहा गया या बाद इंसिडेंट के पहले कहा गया या बाद कहा गया forms the part of that particular transaction and everything related to that will be considered as a relevant fact. Yes. Now the important thing the doctrine of res gestae the Latin word res means thing and res gestae means things done this Latin word is res this means things so res gestae matlab things done transaction or essential circumstance surrounding the subject कोई भी चीज जो की गई हो या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी एसेंशियल सर्कमस्टांस जो सराउंड करता है uh, किसी भी सब्जेक्ट को दिस हैज बीन यूज्ड इन टू सेंस अब इस पर्टिकुलर जो हम फ्रेज है ना इसको दो तरीके से यूज किया गया है इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस इट मींस वर्ल्ड हैपनिंग आउट ऑफ विच द राइट और लाइबिलिटी इन क्वेश्चन अराइजेज रिस्ट्रिक्टेड सेंस में हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि कोई भी वर्ल्ड का जो हैपनिंग है कोई भी वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जो हो रही है आउट ऑफ विच जिससे राइट या फिर लाइबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होता है वो दस इट शुड बी सो कनेक्टेड टू द ट्रांजेक्शन टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन बट वो पर्टिकुलर चीज़ इस तरीके से ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए सो दैट दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर्म द पार्ट ऑफ द

बाय द कोर्ट इज अनअटेनेबल को उसका जो डायरेक्ट एविडेंस है या फिर कोई भी परसेप्शन है वो है आ, वो अनअटेनेबल होता है तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ रेजेस्टे का बेसिकली क्या था ये इंट्रोडक्शन था पहले हम इसको एग्जांपल से देखेंगे उसके बाद एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि क्या होता है फिर हम देखेंगे कि टेस्ट ऑफ रेजस्टे क्या है और उसके बाद हम इस पर बेसिकली चार केस लॉज देख लेंगे सो so दैट कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए ठीक है तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेजेस्टे में हमने बेसिकली अभी क्या देखा कि लैटिन वर्ड है जिसका का मतलब होता है थिंग और रेस जेस्टे का मतलब होता है कोई भी चीज की गई हो कोई भी या फिर कोई भी 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 या फिर जो किसी भी को सराउंड करता है ठीक ठीक okay. so, है 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 अब क्या मर्डर ऑफ बी बाय हिटिंग हिम क्लब ए जो है वो अक्यूज किया जाता है for the murder B के murder के लिए कि उसने उसको क्लब से मारा था Therefore, whatever was done, same example as I gave you in this illustration before, same example is there. And therefore, whatever was done or said by A or B or by the bystanders during the beating or shortly before or after such act will form a part of the same transaction and is therefore a relevant fact. इसलिए जो भी कहा गया हो या फिर किया गया हो ए या बी के द्वारा या फिर वहाँ के नज़दीक जितने भी लोग थे वहाँ पे इस इंसिडेंट के टाइम पे प्रेजेंट थे या फिर यू नो थोड़ी दूर पे थे जिनको पता चल रहा था कि प, 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 पर्टिकुलर इंसिडेंट इज़ टेकिंग प्लेस ऑल द बाई ड्यूरिंग द बीटिंग या तो बीटिंग इंसिडेंट के टाइम पे या फिर उसके पहले या जस्ट आफ्टर उस एक्ट का वो पार्ट फॉर्म करते हैं ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड इज देयर फॉर वो एक रेलिवेंट फैक्ट है दैस इट इज़ टू बी नोटेड दैट ऑल एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द रॉन्ग डूअर आफ्टर हिज एक्शन हैव सीज्ड एंड सम टाइम हैज़ इलैप्स डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रेजिजस्टी ओके दिस इज वन इज इम्पॉर्टेंट कि जितने भी एक्शन है जो रॉन्ग डूअर के पार्ट से किया जा रहा है जब उसका एक्शन कंप्लीट हो गया है ठीक है जब उसका एक्शन कंप्लीट हो गया सेम टाइम हैज़ इलेब्स और सब कुछ टाइम और सम टाइम सॉरी सम टाइम हैजैब्स और कुछ टाइम बीत गया ऐसा वो सारे के सारे जो हैं उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेजिस्टेड अब है ऑन द अदर हैंड वट एवर मे बी सेड फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ऑफेंस टू द दंज्यूमे टू द कंज्यूमेशन मतलब ऑफेंस के होने से लेकर ऑफेंस के ख़त्म होने तक एंड वट एवर सेड इन द कंटिन्यूंस ऑफ द ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन के कंटिन्यूंस में जो रिलेवेंट है बाय द अक्यूज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल वो इस प्रिंसिपल का पार्ट कहलाएगी सो दे इज अ वो लाइक फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ऑफेंस टू द कंजुमेशन ऑफ द ऑफेंस एंड वॉट एवर सेट इन द कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बाय द अक्यूज वो इस प्रिंसिपल का पार्ट फॉर्म करता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये तीन असेंशियल इन्ग्रीडियंट्स भी हैं रेजजेस्टे ठीक है टेस्ट ऑफ रेजेस्टे कैसे होगा The first thing says, the first test says that if there is a relation of cause and effect, or vice versa, ko the relation cause or effect vice versa, that is a casual relation between the fact and issue and द फैक्ट विच इज़ इंटेंडेड टू बी गिव इन एज एविडेंस मतलब कि एक कैजल रिलेशन है फैक्ट इन इशू में और फैक्ट जो हम चाहते हैं कि एज ऐ एविडेंस दिया जाए देन देट फैक्ट कैन भी सेट टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एज द फैक्ट इन इशू तब उस फैक्ट को माना जाएगा कि या फिर कहा, कहा जा सकता है कि वो फैक्ट जो है ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म करता है या फिर सेम एज द जैसे कि फैक्ट इन ईशू है ना सपोजिंग दैट ऑल दीज कॉजेज एंड इफेक्ट्स आर टू बी ट्रीटेड एज रेलिवेंट अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि सारे जितने भी कॉज और इफेक्ट अराइज हो रहे हैं सबको ही हम रेलिवेंट मान लें ठीक है और एविडेंस को परमिट कर दें एंड एविडेंस इज परमिटेड टू बी गिवन ऑफ ऑल दीज फैक्ट्स और सारे एविडेंसिस को परमिट कर देते हैं कि ठीक है जितने भी इस फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस है सब परमिटेड है देन द वेरी परपज ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट इज़ लॉ सब जो बेसिक पर्पज है हमारा एविडेंस कलेक्ट करने का कोर्ट ऑफ लॉ में इन जो हैं, उससे रिलेटेड ऑफ़ रेलिवेंट फैक्ट्स वो खत्म हो जाएगा ठीक uh, है? तो तो है हमारे कॉज एंड इफेक्ट की कॉज एंड इफेक्ट कैसे होते हैं फर्स्ट टेस्ट उसके बारे में बात करता है मूविंग फॉरवर्ड विदेंड टेस्ट सेकेंड टेस्ट के पहले बता दो और इससे एक और चीज़ आरइज होती है कि अगर हम सारे फैक्ट्स को अलाउ करने लगे कि हाँ उन सारे फैक्ट्स के एविडेंस प्रोड्यूस किए जाए तो कोर्ट का जो प्रीसीस टाइम होगा वो भी काफ़ी वेस्ट होगा एंड इन लिसनिंग टू एविडेंस ऑफ रिमोट कॉजेज एंड डिस्टेंट इफेक्ट्स द कोर्ट टाइम विल बी रेंडर्ड इन वेन ओके Moving forward to the second uh, test, the second test suggests that facts connected by proximity of time. Tha cause and effect, second test is facts connected by proximity of time and place would come under this section, jo, time se related time or place, se rela uh, related hai ki kya time lag, raha, kaise wo second test. Ba hai. No doubt facts happening at about the same time and place can be treated as closely connected and therefore relevant under this section. इस पर कोई डाउट या फिर यू you नो know, डबल वो ही नहीं बनता कि अगर उसी पर्टिकुलर जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उस उस पर्टिकुलर टाइम पे प्लेस पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारे के सारे हम ये मानेंगे कि वो क्लोजली कनेक्टेड है और देयर वो रिलेवेंट होंगी इस सेक्शन के अंदर ओके थर्ड पॉइंट

फोर्थ पॉइंट इस स्पॉन्टेनियस एंड कंटेम्प्रेनियस अटरेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं कि स्पॉन्टेनिटी क्या थी उस पर्टिकुलर इंसिडेंट uh, के टुक प्लेस करने के लिए तो पहला हमने देखा कि पहला कॉज एंड इफेक्ट दूसरा था uh, ये अप्रॉक्सीमिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस थर्ड कंटिन्यूटी ऑफ पर्पज एंड थर्ड स्पॉन्टेनियस एंड कंटेम्परेनियस अटरेंस टेस्ट ठीक है अब केस लॉ से शुरू करते हैं सबसे पहला केस लॉ है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेज पन्ना पन्ना सत्यनारायण इस केस में क्या हुआ था कि द अक्यूज़ मर्डर्ड हिज़ वाइफ एंड डॉटर अक्यूज़ ने जो अपनी वाइफ का और डॉटर को मर्डर कर दिया अब उसके पापा के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया डिसीज डिसीज वाइफ के पापा को मतलब जो अक्यूज का फादर था ही गेव द स्टेटमेंट टू द डिसज वाइफ्स फादर डिसीज वाइफ्स फादर ऑफ अक्यू ये कहा टेलीफोनिक पर्पज के कॉल के थ्रू दैट हिज सन हैज किल्ड द डिसीज कि उसके बेटे ने डिसीज को मारा है मतलब वाइफ को और डॉटर को मारा है एबसेंस ऑफ फाइंडिंग एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन गिवन बाई अक्यूज फादर टू द डिसीज फादर दैट द अक्यूज है डिसीज और इधर ऑफ द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द क्राइम और इमिजिएटली देयर आफ्टर सो एज टू फॉर्म सो एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इसका इसी क्लियर मतलब ये निकलता है कि जो इन्फॉर्मेशन एबसेंस ऑफ फाइंडिंग एज टू इसे क्लियर ये इंटरप्रेट किया जाता है कि टाइमिंग का वहाँ पे बेसिकली एबसेंस था कि ये नहीं पता चल पा रहा था कि जो अक्यूज़ के फादर ने कॉल किया डिसीज के फ़ादर को वो किस टाइम पे कॉल किया या तो क्राइम के कमिटमेंट के टाइम पे या फिर कब कॉल किया सो so, ये एक क्वेश्चनराइज करता है वेदर टू फॉर्म अ रेलिवेंट फैक्ट और नॉट आई थिंक आपको ये केस लॉ जो स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पन्ना सत्यनारायण का केस समझ में आ गया होगा कि जो स्टेटमेंट है उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं एज अ रेलिवेंट फैक्ट अंडर दिस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस ओके द नेक्स्ट वन इज बिश्ना अलियास विश्वदेव महतो एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल आई एम सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में इफ देर इज एनी मिस्टेक ओके मूविंग फॉरवर्ड द टू विटनेसेस द टू विटनेस केम टू प्लेस ऑफ अक्रेंस एंड इमिजिएट आफ्टर इंसीडेंट हैड टेक इन प्लेस दो विटनेस जहाँ पे प्लेस ऑफ इंसीडेंट जहाँ हुआ वहाँ पे आते हैं और स्पेशली तब आते हैं जब जैसे इंसीडेंट टुक uh, प्लेस ठीक है हो जाता है दे फाउंड डेड बॉडी ऑफ डिसीज एंड अदर इंजर्ड एंड अदर इंजर्ड विक्टिम इन अनकॉन्शियस स्टेट एंड ऑल्सो फाउंड मदर ऑफ़ डिसीज वीपिंग एज ऑल्सो इंजर्ड ठीक है तो वो दोनों ये देखते हैं कि एक डेड बॉडी है डिसीज की और एक दूसरी बॉडी uh, है विक्टिम की अनकॉन्शियस स्टेट में और जो डिसीज की माँ है वो वहाँ पर रो रही है ठीक है तो वहाँ पे जो एज ऑल्सो इंजर्ड विटनेस प्रेजेंट योर विटनेस जो है वो इंजर्ड है और वहाँ पे है दे हर्ट अबाउट द इंटायर इंसिडेंट वो इस कंप्लीट इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं uh, सुनते हैं फ्राम द इंजर्ड विटनेस ठीक है एंड अदर विटनेसेस वहां पर थे बाई स्टैंडर्स या फिर जिसको भी चोट वोट आई उनके थ्रू सुनते हैं इंक्लूडिंग रोल प्लेड बाई ईच ऑफ अक्यूज एंड अदर्स वो एक इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं कि कैसे क्या क्या सिचुएशन हुई एंड अब कब किसने किसने क्या किया द एविडेंस ऑफ दीज टू विटनेसिस कोरोबोरेट द एविडेंस ऑफ द प्रोजिक्यूशन विटनेस ये जो एविडेंस है दोनों विटनेस का ये बेसिकली एज द कोरोन विटनेस एज ऑल्सो द एलिगेशन मेड इन एफ आई आर और जो एलिगेशन दिए गए हैं एफ आई आर में तो देर एविडेंस इज एडमिबल अंडर सेक्शन सिक्स तो इनका जो एविडेंस होगा वो एडमिसेबल होगा सेक्शन सिक्स के अंदर Moving forward to the next case law, Jagshare versus State of Haryana. In the present case, corroboration of to the dying declaration comes from the statement of Mangat Ram, Brother. ब्रदर ब्रदर ऑफ़ लोडू फादर ऑफ़ द डिसज हु प्रोवाइडेड आई विटनेस अकाउंट सपोर्ट सपोर्टिंग द प्रोसिक्यूशन स्टोरी ऑन मटेरियल एस्पिक्स इस केस में कोरोबोरेटिव एविडेंस uh, के तरह आता है डाइंग डिक्लेरेशन ठीक है although they do not state that the accused had set yashin khan on fire in the presen uh, in the presence since according to them both the accused had taken machine khan and his wife wife uh, and his wife okay so as to resolve the dispute but they said that after some time yashin khan came out एज ऑन फायर उसको अंदर लेके गए और डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए उनके बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अंदर लेके गए और बाद में यशीन खान जो था वो फा उसकी बॉडी में आग लगी हुई थी और वह तब बाहर निकले अपलाइंग द अपलाइंग द रेस्ट जेस्टे इट कम्स आउट डेट बोथ द अक्यूज आर क्लियरली कनेक्टेड दोनों अक्यूज जो हैं वो क्लियरली कनेक्टेड है द मेडिकल एविडेंस ड्यूली कॉरोबोरेट दिस पर्टिकुलर एविडेंस ठीक है तो आई थिंक आपको ये केस लॉ समझ में आ गया होगा नेक्स्ट इज सवाल सवाल दास का केस है ठीक है सवाल दास वॉज स्टेट ऑफ बिहार 1974 सेवेंटी फोर सुपर अज हस्बैंड, हिज फादर एंड मदर वे आर प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ हिज वाइफ ठीक है एक हस्बैंड, फादर और मदर मतलब वाइफ के बेसिकली उसका हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ मदर इन लॉ को प्रोसिक्यूट किया गया था उस डिसीज़ के मर्डर के लिए शी क्राइड फॉर हेल्प एज सून एज शी वॉज पुस्ड इन टू द रूम हर चिल्ड्र हर चिल्ड्रेन हु आर प्लेइंग आउटसाइड इन बरांडा एक्सक्लेम्ड एट द सेम टाइम दैट देयर मदर वॉज बींगल्ड वो उन उसके बच्चे जो वहाँ पर खेल रहे थे उन लोगों ने यह कहा कि शी कराइड फॉर हेल्थ एट दैट पर्टिकुलर टाइम एंड उन्होंने यह कहा कि उसकी माँ की उसकी माँ को मारा गया है ठीक है द एक्सक्मेशन ऑफ द ऑफ द चिल्ड्रेन वेअर रिसीव थ्रू द एविडेंस ऑफ द पर्सन हु हर्ट दैम ये जो चिल्ड्रन uh, का जो स्टेटमेंट आया या फिर द एक्सक्लेमेशन ऑफ द चिल्ड्रन वो एक रिसीव किया गया था एक पर्सन के थ्रू जो जिसने उन बच्चों की बात सुनी इट वॉज एडमिसिबल एविडेंस बिकॉज इट वॉज रेजेस्टेड अब इस एविडेंस को एडमिसिबल एविडेंस admis, uh, मानेंगे बिकॉज ये पर्टिकुलर एविडेंस जो था वो एज अ रेजेस्टेड काम किया ठीक है तो अभी तक हमने आई थिंक चार केस लो देखे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस पन्ना सत्यनारायण विश्वाल्यास विश्वदेव महतो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल Uh, ज, uh, जगसेर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सवालदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1973 सेवनटी सेवेंटी तो चार केस लॉज देखे हमने टेस्ट ऑफ रेजेस्टिकार चार पॉइंट्स कवर किया सबसे पहला पॉइंट था कॉज एंड इफेक्ट सेकंड पॉइंट था हमारा दो फैक्ट जो प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम और प्लेस से कनेक्टेड है थर्ड था कंटिन्यूटी ऑफ पर्पज एंड एक्शन एंड फोर्थ था स्पॉन्टेनियस एंड कॉन्टेम्प्रोनियस अटरेंस टेस्ट ठीक है उसके बाद ये सेक्शन सिक्स क्या होता है ये देखा उसके ऊपर हमने इलेस्ट्रेशन एंड ऑल्सो हमने सेक्शन फाइव uh, को भी डील किया और उसके दो एसेंशियल इलेस्ट्रेशन और एक केस लॉ देखा हमने उसमें रमन वर्सेज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इंडिया इन आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे सेक्शन सेवन एट के साथ डील करेंगे एंड प्लीज़ स्टेट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ और लॉ सब्जेक्ट के कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो मैं नीचे इंस्टाग्राम की लिंक अपनी आई डी डाल दूँगी यू कैन डी एम ई देर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए आपको तो एंड अगर इसका भी पी डी एफ चाहिए और बाकी जो तीन एविडेंस की वीडियोज़ हैं उसकी भी पी डी एफ चाहिए तो आप वहाँ उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पर ही And yes, thank you so much for watching this video. Stay home, stay safe, and stay healthy. Thank you again for watching this video. Stay tuned.